हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आरके स्कूल से वीरेन सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया था आपको, क्लास प्रारंभ करने से पहले अभी नागपंचमी का त्यौहार निकला हुआ है, गुजिया उजिया खूब बनी होगी, खूब खाए होंगे गुजिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से त्यौहार को एंजॉय किया है आनंदप्रद तरीके से। अब अपने पाठ पर आते हैं। पाठ का नाम है शब्द विचार, पहले से चल रहा है और आपको बताया गया था शब्द के भेद में बताया गया था, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर आपको बताया गया था। उसी के संदर्भ में अब आगे चलते हैं। आप हेडिंग बना लीजिए, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद या शब्द भेद। हेडिंग क्या बनाएंगे आप? रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द भेद। जितना कराया जा रहा है उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, उसकी फेर बना रहे होंगे। अब रचना और बनावट के आधार पर हिंदी में शब्द के तीन भेद बताए गए हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए गए हैं? तीन भेद बताए गए हैं। पहला शब्द है रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक शब्द है और तीसरा है योग रूढ़ शब्द है। नोट करते चलिए आप। और अब पहले को हेडिंग हम बनाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है आइए समझते हैं। रूढ़ वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि वे शब्दों के मेल से नहीं बनते, इनके अर्थ निश्चित होते। नहीं समझ में आई बात? कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक का मतलब होता है कि अगर कोई शब्द है उसके आप टुकड़े करोगे तो शब्द का अर्थ अलग अलग आना चाहिए। दूसरी बात, ये शब्दों के मेल से नहीं बनते। वर्ण होता है, शब्द होता है, और वर्ण हुआ, अक्षर हुआ, शब्द हुआ, वाक्य हुआ, इसके बारे में आप जानते हो। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, अक्षर है, शब्द है और क्या होता है? वाक्य होता है। अब देखिए इसमें लिखा है क्योंकि वे शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब यहां देखिए सार्थक टुकड़े का मतलब क्या होता है। सार्थक टुकड़े का मतलब यह है कि जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है आपका नाक, अगर इसके आप टुकड़े करो, ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है ना है और का है। अब ना का अर्थ तो चलो भाई ना निकल आ रहा है, नाट आता है जैसे, नहीं आता है, लेकिन का मतलब क्या लगाओगे? का से कबूतर का लगाओगे। कहने का मतलब जैसे आप इसको बांटो तो इसका भी अर्थ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए और इसका भी अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन जब इसको हम बांटते हैं तो इसका अर्थ सार्थक नहीं निकलता। इसी प्रकार से हा को अगर हम बांट दे, था यानी थी को अगर हम बांट दे तो इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। कहने का मतलब है जब हा का मतलब क्या, हा नहीं थी का मतलब था, थी वाला। कहने का मतलब इन दोनों के सार्थक टुकड़े नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए जो है ये देखो लिखा गया है जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब इनको अगर बांटा जाए, अलग अलग किया जाए तो इनका भी अर्थ निकलना चाहिए, इनका भी अर्थ, लेकिन अर्थ निकल नहीं रहा है, इसलिए क्या होता है, ये रूढ़ शब्द होता है। जैसे लिखा नाक, हाथी, काम, चाल, दाल, भात, इस प्रकार के जो शब्द हैं, पेन, कलम, इनको अलग अलग करोगे इनके शायद अर्थ नहीं निकलेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब अगला आप हेडिंग डालिए, देखो आपसे क्या लिखा हुआ है, यौगिक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यौगिक शब्द। हेडिंग बनाइए आप, नोट करते चलिए। पढ़ते समय मोबाइल के अलावा पढ़ने के अलावा कुछ मत करिए। दूसरा हेडिंग आप बनाओगे यौगिक शब्द, सुंदर लेखन का प्रयोग करेंगे आप। लिखो दो या
दो से, देखिए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से सार्थक शब्दों के मेल से बने दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनके टुकड़े करने पर कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इनके देखिए, रूढ़ शब्द में था कि आप टुकड़े कर रहे थे तो उसका अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन यौगिक का मतलब होता है यौगिक माने जुड़ा हुआ। यौगिक का मतलब ही क्या होता है? जुड़ा हुआ, जुड़ करके बना हुआ। जैसे लिखो रसोई घर, जैसे लिखो रसोई घर, जैसे क्या रसोई घर। अगला भोजनालय, भोजनालय भोजनालय, पुस्तकालय, टिकट घर, नोट करिए इसको। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द जिनके टुकड़े करने पर क्या कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। देखो अब देखते हैं, जैसे लिखा है पहला शब्द है रसोई, क्या लिखा है? रसोई धन घर। अब देखिए दो शब्द है रसोई घर, दो शब्दों के, रसोई और घर। रसोई का मतलब क्या होता है? रसोई जहां पे खाना बनाया जाता है। घर मतलब क्या होता है? घर है ना, घर में एक ऐसा जगह होती है, ऐसी जगह होती है जहां पर रसोई बनाई जाती है। जैसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? किचन। क्या कहते हो? किचन ही तो कहते हैं ना। तो रसोई मतलब यानी घर में एक ऐसी जगह होता है, घर एक घर में एक ऐसा घर होता है, कमरा होता है जहाँ खाना बनाया जाता है। यानी इसको देखो रसोई का भी अर्थ निकल रहा है और घर का भी अर्थ निकल रहा है। दूसरा जैसे है भोजनालय, भोजन और किससे बना है? आलय से बना है, है ना। भोजन माने खाना है ना, आलय माने क्या होता है? अलग मतलब क्या होता है? घर होता है। अलग मतलब भी क्या होता है? यानी भोजन के लिए क्या? घर। फिर जैसे लिखा है पुस्तकालय, तो लिखा है पुस्तक धन क्या मिलकर के बना है? आलय मिलकर के बना है। तो पुस्तक और आलय यानी पुस्तक के लिए घर, पुस्तक मतलब पुस्तक मतलब पढ़ने वाली पुस्तक, आलय मैंने भी अभी क्या बताया? घर होता है, घर की प्रायवाची होती है। जैसे लिखा है टिकट और घर, लिखा है टिकट और घर, यानी टिकट के लिए घर। टिकट मैंने टिकट, ट्रेन से यात्रा करते हो है, फ्लाइट से यात्रा करते हो, बस से यात्रा करते हो, टिकट और घर। नोट करिए इसको आप। अब अगला हेडिंग बनाइए
इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा सा बात, जैसे लगा कि दोबारा सुनना चाहते हो, तो अपने वीडियो को रोक लिया करो, रोक के फिर से पीछे कर लिया करो, व्यवस्था भी है ना। अब अगला शब्द है आपका योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, हेडिंग बनाइए योग रूढ़ शब्द, लिखो जब कोई शब्द यौगिक होते हुए भी, जब कोई शब्द यौगिक होते हुए भी, जब कोई शब्द यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ न प्रकट करके, सामान्य अर्थ प्रकट न करके कोई दूसरा अर्थ प्रकट करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए यौगिक तो होगा, जब कोई शब्द यौगिक होते हुए भी, यौगिक मतलब जुड़ करके तो बना होगा, लेकिन वो जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा वो अर्थ ना दिखाई दे करके कोई अन्य अर्थ दिखाई देगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा समास, अगर जानते हो तो एक समास में होता है बहुव्रीहि समास होता है, कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, वो सामान्य अर्थ ना प्रकट करते कोई और दूसरा अर्थ प्रकट करता है। उदाहरण लिखिए आप, जैसे किताब में आपके लिखा भी है उदाहरण चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर का मतलब क्या, चतुर का मतलब क्या होता है, चतुर देखो अगर इसका अर्थ निकालोगे चतुर माने क्या होगा, चार, चतुर माने चालाक से मतलब यहाँ पर नहीं है। अब भुजा का मतलब क्या हो जाएगा, भुजाएं यानी आर्म्स, भुजाएं यानी चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला कौन रहता है, ब्रह्मा जी रहते हैं भाई, है ना, भगवान अपने हैं, है ना। और उदाहरण लिखिए, और कोई उदाहरण सोचिए, जैसे आ गया दशानन भाई, बहुत पुराना है, दशा, दशा माने दस से क्या पता चल रहा है, दस माने दस, वन टू थ्री दस, और आनंद मिलकर के बना है, देखो आ बड़ा आ जाएगा आनंद यानी रावण, दशानन मतलब क्या होता है रावण। देखिए दशानन लिखा है दो शब्दों के मिलकर से बना है, देखिए जैसे लिखा है दशानन तो दश फिर क्या बना हुआ है आनंद, देखिए दस का मतलब भी होता है दस, आनंद का मतलब क्या होता है मुख होता है, देखिए यौगिक है कि नहीं, देखिए एक ये शब्द है दस का भी अर्थ निकल रहा है और आनंद का भी अर्थ निकल रहा है, यौगिक शब्द है, लेकिन ये यौगिक शब्द होते हुए भी कोई अन्य अर्थ, अन्य अर्थ देखो निकल रहा है, अन्य अर्थ क्या निकल रहा है, दशानन का मतलब क्या होता है रावण, क्या होता है रावण होता है ना। यौगिक तो है, यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ ना प्रकट करके क्या देता है दूसरा अर्थ प्रकट करता है, समझ गए ना। तो आज के दिन इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, अब होमवर्क आप नोट कर लीजिए, होमवर्क आपका है सुंदर लेखन से एक पेज आपको सुलेख लिखना है।
वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अध्यापक है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, माता है। अगला है निम्न शब्दों का लिंग निर्धारण कीजिए। लिंग निर्धारित करना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। पहला शब्द है पुस्तक, दही, गेहूं, कलम, बस पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं अगले दिन।